मंगनूर नाम के एक गांव में परदेसी नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। वो बहुत बड़ी झगड़ालू औरत थी। पहले पत्नी के मरने के बाद उसने गंगा से शादी की। पहली पत्नी की बेटी का नाम गुड़िया और गंगा के बेटे का नाम बंटी था। गंगा गुड़िया की देखभाल करे बिना बंटी को बहुत लाड़ प्यार से देखती थी। इस वजह से बंटी बहुत जिद्दी बन गया था। परदेसी अपने घर के सामने ही मिट्टी के मटके और बर्तन तैयार करके उन्हें एक ठेली पे रखकर पूरा गांव घूमकर बेचता था। मिट्टी के घड़े माँ, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन माँ, मिट्टी के बर्तन, ठंडे ठंडे मिट्टी के घड़े माँ, यूं पुकारते हुए बेचता था। आए दिन बंटी के लिए कोई ना कोई खिलौना खरीद कर लाता था। कभी खिलौना नहीं ला पाता तो बंटी नीचे गिर के मनमानी करता था। गंगा पैसे बस नहीं हो रहे हैं कहकर परदेसी को ताने मारती थी। छी, तुम कैसे मर्द हो, ये भी कोई कमाई है क्या? तुम बहुत पैसे कमा रहे हो कहकर घर वाले मेरी शादी करके मेरा गला काटे, कम से कम एक दिन तो भी ज्यादा पैसे कमा कर लाए क्या, कहकर बोलती थी परदेसी। ये क्या गंगा, तुम मेरी स्थिति जानती हो ना, आजकल लोग मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहे हैं और ऊपर से आए दिन कमाए पैसों से बंटी के लिए कोई ना कोई खिलौना खरीदना पड़ रहा है, इसलिए पैसे बस नहीं हो रहे हैं, कहा गंगा तब। मतलब क्या, तुम हरदम उसके ऊपर रोते रहोगे? इतना छोटा खिलौना खरीद कर दिए तो आपकी कमाई पूरी खत्म हो जाएगी क्या? छी, अगर ऐसे ही चला तो मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर जाऊंगी, चलो बेटा चलते हैं, बोली गुड़िया तब। माँ रुको, माँ हमें छोड़कर मत जाओ, बेचारे पिताजी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वैसे जब भी पैसे होते हैं पिताजी इसके लिए कुछ ना कुछ खिलौने ला रहे हैं ना, मुझे नहीं दिलाए तो भी उसे दिला रहे हैं ना, समझा करो माँ, बोली। बस गंगा गुड़िया को एक खींच के मारी और बातें करना सीख गई हो, लगता है ये सब टीवी सीरियल्स का असर है, देखो पहले ही कह दे रही हूँ परसों इसका जन्मदिन है, इसे बहुत सारे खिलौने खरीद कर देना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, कहकर ऑर्डर दी बंटी तब। हाँ पिताजी, मुझे कार, हेलीकॉप्टर, बस, ऑटो, जीप, ट्रेन, ऐसे एक नहीं सारे चाहिए, मेरे दोस्त उन्हें देखकर जलना चाहिए, कहा। एक दिन गुड़िया पिता को उदास बेटे देख, पिताजी आप उसे उतने खिलौने कैसे खरीदना है कहकर सोच रहे हो ना, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, मेरे कहे जैसे किए तो आपको एक रुपए का भी खर्च नहीं होगा, आप सारे खिलौने मिट्टी से ही बनाइए, बाद में मैं उन्हें रंग डालूंगी, उससे उन्हें दुकान में खरीदे कहकर झूठ बोलिए, बोली परदेसी तब। वाह मेरी बेटी कितनी समझदार है, कहकर बेटी को खुशी से चूमा। ऐसे वो मिट्टी के खिलौने बनाने लगा तो गुड़िया उन्हें रंग डालकर एकदम असली खिलौनों के जैसे बनाई। बर्थडे के दिन परदेसी के दिए खिलौनों को देखकर बंटी बहुत खुश हुआ, उनसे खेलते हुए झूमने लगा। अगले दिन बंटी, माँ पिताजी आज हमारे स्कूल में खिलौनों की प्रतियोगिता है कहकर कहा था ना, जल्दी तैयार होइए, वहाँ पर सब तरह तरह के खिलौनों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे, मैं भी मेरे खिलौनों के साथ भाग लूँगा, गुड़िया चलो चलते हैं, कहा। ऐसे सब स्कूल को गए। स्कूल में सारे बच्चे अपने खिलौनों को वहाँ पर रखे, बंटी भी अपने खिलौनों को रखा। हेडमास्टर तब, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हमारे प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि हैं मशहूर खिलौनों के कंपनी के मालिक ओब्रॉय जी, विजेता को उन्हीं के हाथों बहुमान मिलेगा, कहा। इतने में तेज बारिश गिरने लगी, बंटी के खिलौनों से रंग निकलकर वो मिट्टी के खिलौनों के जैसे बदल गए। ये देखकर परदेसी और गुड़िया दंग हो गए। गंगा और बंटी को परदेसी ने उन्हें ठगा है कहकर बहुत गुस्सा आया। उन्हें देखकर ओब्राय और बाकी के स्कूल वाले आश्चर्य में पड़ गए। इतने में उस बारिश में भीगने के वजह से सारे खिलौने पिघल गए। उससे गंगा आग बबूली होकर गाली देने के लिए उठी। छी तुम कैसे इंसान हो जी, छोटा बच्चा जन्मदिन के लिए खिलौना पूछा तो मिट्टी के खिलौने देकर धोखा दोगे,
अब मैं और मेरा बेटा एक मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे, अब और अपमान नहीं सहेंगे। बंटी बेटा चलो चलते हैं। कहकर जाने लगी तो परदेसी, आप सबको मेरा प्रणाम। इस प्रतियोगिता में हुई इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरे बेटे के जन्मदिन को असली खिलौने खरीद नहीं पाया तो मैंने मिट्टी के खिलौने बनाया, मेरी बेटी ने उन पे रंग डाला, ऐसे होगा कहकर मैंने नहीं सोचा, हमें माफ कीजिए। कहकर सबके आगे हाथ जोड़ा ओबराय। तब श्रीमान, इतनी बड़ी कला अपने पास रखकर आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके खिलौने बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत दिनों से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्लास्टिक खिलौनों की तैयारी कम करने के लिए सोच रहा था, अब आपको देखने के बाद अब से मिट्टी के खिलौने तैयार करने की सोच रहा हूँ। आप मेरे साथ रहे तो कंपनी के मुनाफे में आपको 50% हिस्सा दूंगा, प्लीज मना मत कीजिए। कहा। ये सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पति से माफी मांगी। एक अच्छा ऑफर देने के लिए परदेसी ओबराय को नमस्कार किया।